DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in. बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप जी. साथियों, जैसा आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा, रणदीप जी ने कहा, 19 तारीख को राज्यसभा के चुनाव हैं, 3 सीट के इलेक्शंस हैं और 4 उम्मीदवार हैं. कांग्रेस पार्टी का स्वतः ही पूर्ण बहुमत है दोनों सीट कंफर्टेबली जीतने का, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे को समर्थन करने वाले दल, निर्दलीय विधायक जो पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, वो पूरी ताकत के साथ हमारे दोनों उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं. राज्यसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे, इसमें किसी को कोई किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए. मैंने कल भी इस बात को कहा, कोई भी अगर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ अपना टाइम जाहिर कर रहा है. क्योंकि जैसे रणदीप जी ने कहा, इस देश के अंदर केंद्र सरकार ने ना तो कोई देशव्यापी नीति बनाई श्रमिकों के लिए, और लॉकडाउन के बाद जो लगातार अर्थव्यवस्था चरमरा रही है उसको सुधारने के लिए कोई पुख्ता कदम उठाए नहीं है. उसका दुर्गामी जो इफेक्ट है वो हम सब देख रहे हैं. राजस्थान में हम लोगों ने मेहनत कर कर ना सिर्फ श्रमिकों को, प्रवासियों को और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से नरेगा के माध्यम से लोगों को मदद करी है. इस चुनौतीपूर्ण समय में किसी को बेवजह आकलन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव पहले होने थे, लॉकडाउन हो गया, उसको पोस्टपोन किया गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो सरकार चलाने का काम हो रहा है उसमें सभी विधायकगण हमारे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे. वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी ने नामांकन भरा था कुछ समय पहले, और आज सभी साथियों से, और आप में से कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि यहाँ क्यों बुलाया, वहाँ क्यों बैठे, कि हमारे दल के लोग हैं, कोरोना में 3 महीने आपस में मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो खुले में, क्योंकि घरों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती, इसलिए कल और आज यहाँ इस होटल में मीटिंग करने का हम लोगों ने मन बनाया और लगातार एक दूसरे से संपर्क करेंगे. लेकिन जितना बहुमत आंकड़े में है, मैं समानता हूँ कि संभवतः उससे ज़्यादा मत हमारे दोनों उम्मीदवारों को मिलेगा. और वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं, हमारे राजस्थान के जो इंचार्ज अविनाश पांडे जी, रणदीप जी, तमाम साथी जो दिल्ली से यहाँ पे आए हुए हैं, हम सब अपने विधायकों से बात कर रहे हैं और सभी लोगों ने एक स्वर से मीटिंग के अंदर भी और मीटिंग के अलावा भी ये कहा कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन राज्यसभा के चुनावों के अंदर 19 जून को जब मतदान और मतगणना होगी, तो हमारे दोनों उम्मीदवार जितना बहुमत है उससे ज़्यादा मत प्राप्त कर कर संसद में जाने वाले हैं. जहाँ तक राजस्थान देश की बात है, मैं समझता हूँ रणदीप जी ने भी इस बात का जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो कदम उठाए उसमें देश दुनिया ने हमारे काम को सराहा है. हमारे चिकित्सा मंत्री यहाँ रघु शर्मा जी मौजूद हैं, मिलकर चाहे क्वारंटाइन करना हो, चाहे जागरूकता फैलानी हो, सैनिटाइजर्स, मास्क, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड, हम सब लोगों ने, केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य सरकारों को कोई स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग नहीं दी है. सिर्फ घोषणाएं की हैं 20 लाख करोड़, इतने लाख करोड़, लेकिन राजस्थान को या किसी अन्य प्रदेश को कोई भी आर्थिक मदद देने का काम आज तक नहीं किया. रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वित्त मंत्री महोदया की, लेकिन एक भी राज्य को आर्थिक मदद देने का काम नहीं किया. बावजूद उसके सीमित साधनों के बाद अर्थव्यवस्था बिल्कुल 80% हमारा रेवेन्यू कम हो गया, उसके बावजूद भी हम सब लोगों ने काम किया. जैसा आप सब लोग जानते हैं, 51 लाख लोग आज नरेगा में राजस्थान में काम कर रहे हैं. पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा श्रमिक अगर रोजगार पा रहे हैं तो राजस्थान में पा रहे हैं. तो हम लोग अपना काम लगातार कर रहे हैं, जनता काम से संतुष्ट भी है, और इस राजनीतिक घटनाक्रम में मैं समझता हूँ जो वास्तविकता है वो हम सब लोगों को 19 तारीख को देखेगी, जब दोनों हमारे उम्मीदवार भारी बहुमत के साथ जीत कर यहाँ से दिल्ली जाएंगे. और मैं समझता हूँ हमारे साथी जो आए हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सब लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए. थैंक यू. DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in.
संगठन के अंदर अंतर्कलह है और उसका फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। ये बातें मैं सुन रहा हूँ जब से बीजेपी हारी है 1.5 साल से, और 1.5 साल के अंदर जो उपचुनाव हुए वो हम लोगों ने जीते, राज्यसभा के चुनाव होंगे वो हम जीतेंगे। अब उनका और तो कुछ काम कर नहीं रहे विपक्ष में, और आपस में कितने गुट भाजपा में है मेरे हाथ में गिन नहीं सकता मैं सरकार में। और ये जब मैं अध्यक्ष बनकर आया था 2014 में, तब से लगातार हम ऐसा कोई ना कोई साथी पूछता रहता है, और बड़ी कामयाबी से हम लोगों ने हर उपचुनाव जीता, विधानसभा का आम चुनाव जीता, और ये चुनाव भी हम जीतेंगे। तो बीजेपी के साथी कुछ बोले ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन अगर आईना उठा के देखेंगे तो उस दल में कितने गुट बने हुए हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। हमारे यहाँ पर मैंने कल भी कहा था, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने AICC ने हमारे राज्यसभा चुनावों में उम्मीदवार तय कर दिए। तय करने के बाद हम सब ने उनको आश्वस्त किया कि हम चुनाव जिताकर भेजेंगे। अब विरोध करने के लिए कुछ कमी निकाल नहीं पाए, और बेवजह अखबार में और कुछ फुसफुसाहट फैलाने की बात अगर कोई बीजेपी नेता करता है तो मैं समझता हूँ वो अनर्थ है। अब ये बात बहुत बोरिंग हो चुकी है, इसको ना तो कुछ सुनता है ना गंभीरता से देखता है।